जाफरान द मेगा मार्ट में पाए हर प्रोडक्ट पर 5-50% डिस्काउंट। पर्सनल एंड बेबी केयर, ग्लॉसरी, ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स, डेयरी एंड बेवरेज, होम एंड किचन, राशन का हर सामान मार्केट से कम दाम। द मेगा मार्ट जाफरान। आप जाफरान मेगा मार्ट के वेबसाइट या कॉल करके घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं। COD और UPI पेमेंट अवेलेबल। फ्री होम डिलीवरी। आप मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के गुलाब पार्क मार्केट दारुल फला मस्जिद के पास। और आपको बता दें कि 3 तारीख रविवार को जिस तरह से महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी और 4 तारीख को सोमवार रात 8 बजे के वक्त ये नियम जो है लागू हुआ था, और उसके बाद से जो है दुकानें तमाम बंद करा दी गई थी। इसके बाद से व्यापारी लोग जो है काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे थे। और आज मुमरा के दारुल फला मस्जिद के पास यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पूरा रास्ता ये जो है बंद कर दिया था। बड़ी तादाद में व्यापारी यहाँ पर रोड पर उतर गए थे। व्यापारी नाराज़ है क्योंकि उनका कहना है कि 1 साल से भी ज़्यादा समय का वक्त हो गया है और लगातार लॉकडाउन लगते जा रहे हैं। इसके वजह से उनकी जो रोजी रोटी है उस पर काफ़ी असर पड़ रहा है। इस वजह से व्यापारी इस लॉकडाउन का कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। जो दुकानें बंद कराई गई हैं उसके खिलाफ़ है। उनका कहना है कि अब रमज़ान का महीना ऐसे में आने वाला है और दुकान जो है बंद रहेंगी तो उनके घर का खर्च कैसे चलेगा। इसी सब बात को लेते हुए यहाँ मुमरा शहर के सभी व्यापारी आज रोड पर उतर गए और काफ़ी हंगामा हुआ। इस रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद मुमरा पुलिस के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी को यहाँ से रोड से हटाया गया है। रोड को खाली किया गया है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर मुमरा पुलिस के जवान पहुँचे और लोगों को हटाया गया। जो यहाँ व्यापारी संगठन के लोग हैं वो आंदोलन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि दुकानें जो है खोली जाएं, लेकिन जिस तरह से पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर पहुँचने के बाद जो रोड पर हंगामा हो रहा था, जो व्यापारी मांग कर रहे थे दुकान खोलने के लिए, उनको यहाँ से रोड से हटाया गया। आपको बता दें इसी तरह से कल भी यहाँ पर हंगामा हुआ था, लेकिन उस वक्त जो है किसी व्यापारी ने रोड पर धरना प्रदर्शन नहीं किया था। हालांकि आज जब पुलिस यहाँ पर पहुँची और कुछ स्थानीय नगर सेवक यहाँ पर पहुँचे, उसके बाद जो व्यापारी है उन्हें समझा बुझा कर यहाँ से हटाया गया है। और इस दौरान व्यापारी संगठनों को जो रोड जाम किए थे उन्हें हटाया गया और बड़े पैमाने पर पुलिस अभी भी यहाँ पर मौजूद है। व्यापारियों का क्या कुछ कहना है इसमें और जो पुलिस बल है उन लोगों से भी हम बात करेंगे कि पुलिस ने किस तरह से उनको हटाया है। यहाँ पर हमारे साथ रामचंद्र वलकर PI मौजूद है, हम पुलिस से भी बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से आंदोलन हो रहा था यहाँ पर, लोगों को हटाया गया है, आप क्या कहेंगे? मेरा काम लॉ एंड ऑर्डर संभालने का, दूसरा कुछ नहीं, बस थैंक यू। क्या बोल के हटाए? अरे हमारे लोग है, ये लोग हमारे हैं, हम बोलेंगे तो तुरंत जाते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से पुलिस का कहना है कि हमारा काम है लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करना। बहरहाल पुलिस ने बड़े ही अच्छा कदम यहाँ पर उठाया और सभी जो लोग यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे थे, यहाँ एक दुकानदार जो बंद कराया गया था दुकान, इनकी सभी दुकानदारों को यहाँ से हटाया जा रहा है, बाकायदा उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। हम कुछ आंदोलन करने वाले जो लोग थे उन्हीं से बात करेंगे। क्यों आंदोलन कर रहे थे आप लोग, आज क्या हुआ था इसका, क्या बोलेंगे आप? ये गरीबों का परेशान करने वाली दाई है, सब सबका चालू है, हमारा बंद है, इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं। और क्या आंदोलन, क्या मांग है आपकी? मास्क लगा पहले। हाँ, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है गरीबों को दुकानें चालू करके दो, या एक लाइन चालू रखो, एक लाइन बंद रखो। हाँ। यही आंदोलन। जिस तरह से P1 P2 के हिसाब से जिस तरह से दुकानें खोली जाती थी, एक दिन रोड के उस तरफ और दूसरे दिन रोड के इस तरफ, और उसी की मांग करते हुए क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे आप लोग, क्या मांग है आपकी? पूरा मुमरा चालू है, गुलाब पार बंदे खाली, गुलाब पार
शरीफा कौसा सब चालू है, खाली गुलाब पार बंद है इधर का। लेकिन नया नियम लागू हुआ है जिस तरह से, तो उस हिसाब से दुकानें जो है बंद कराई गई हैं। आप लोगों की मांग क्या है? लॉकडाउन की तरफ से लॉकडाउन नहीं हुआ, ये बीएमजी की तरफ से लॉकडाउन हुआ है। बीएमजी कौन होती है लॉकडाउन करने वाली? वही तो नहीं, नहीं राज्य सरकार की जो है ये नियम लागू किया है। राज्य सरकार ने नहीं किया, बीएमजी ने लागू किया। भाई ये खाली बेफजूल का, बंगाल में इतना बड़ा कोरोना का चल रहा हो, रैली निकली है बंगाल के अंदर, वो कुछ नहीं दिख रहा है भाई लोगों को। खाली मुमरा बम्बई महाराज दिख रहा है, मुमरा में एक पेशेंट नहीं है भाई दुनिया का। ये है वो है, चालू है हर चीज, चालू है दुकान वाले लोगों को बंद करा रहे हो, हर गली गली हर कोना चालू है भाई। खाली दुकान पर गुलाब पार और कुछ नहीं दिख रहा है भाई। मुमरा का हर गली का बंदा इधर है, कौन सी गली में कोरोना है? आप खुद जानते हो, मुमरा गली में नहीं है कोरोना, खुद जानते हो गली में नहीं है कोरोना, आप खुद जानते हो भाई। हमारी एक ही मांग है कि भाई बाजार चालू करो, नहीं तो हम आंदोलन पे बैठेंगे, हम आंदोलन करेंगे। विरोध भाई आप खुद जानते हो, रात को 2 बजे पब्लिक घूम रही है, कोरोना से नहीं मरेगी, भूख से मर जाएंगी भाई, भूख से। ये कुछ नहीं है भाई, ये मार देंगे अपने को भाई, और कुछ नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? भूखमारी हो जाएगी भाई, भूखमारी हो जाएगी। जिस तरह से आपने सुना कि जो तमाम दुकानदार है वो लगातार यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, उनकी मांग है कि दुकानें जो खोली जाए। बहरहाल जिस तरह से ये पूरा रास्ता आज बंद किया गया था, लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है दुकानदार वो विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पर उतरे थे। लेकिन जिस तरह से आपको दिखाएंगे कि पुलिस का एक बहुत बड़ा बड़े पैमाने पर यहाँ पर पुलिस तैनात की गई, और उसके बाद जो है इस रास्ते को जो है यहाँ पर खुलवाया गया है। लेकिन जिस तरह से नया नियम जब से कोरोना का लागू हुआ है उसके अनुसार जो है देश महाराष्ट्र में जो व्यापारी संगठन है वो लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।